आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है स्पीड्स ऑफ प्लैनेट ऑफ मास एंड इट्स पेरिहेलियन एंड पेरिहेलियन पोजीशंस। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट हमें दिया हुआ ए, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट का हमारे पास है ई, मास ऑफ द सन है एम। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहले ये रहा हमारा सन, इसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो देख रहे हैं कि ये हमारा अगर सन है तो यहाँ से आर टू है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आर वन है। ठीक है, तो हमारे पास सिंस एलिप्टिकल ऑर्बिट है और एसेंट्रिसिटी ई दिया हुआ है तो हमारे पास आर वन इज इक्वल टू ए वन माइनस ई। ठीक है, और आर टू हमारे पास क्या है, ए इन टू वन प्लस ई। ठीक है, ये इसको पहले क्वेश्चन मांगते हैं इन दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट हम कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्व करेंगे एंगुलर मोमेंटम तो देखेंगे कि अगर मान लीजिए, और जैसे कि देख रहे हैं ये पेरिहेलियन पोजीशन होता है, ये एपिहेलियन पोजीशन होता है, तो पेरिहेलियन के पोजीशन से अगर स्पीड वी वन है और एपिहेलियन से वी टू है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो क्या होता है एम वी क्रॉस आर, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व करते हैं दोनों में तो मास ऑफ प्लैनेट एम से वी वन ए आर वन और साइन 90 डिग्री ओसेंस परपेंडिकुलर है और एपिहेलियन पोजीशन पे एम इंटू वी टू इंटू आर टू साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो एम एम गेट्स कैंसिल सो वी कैन गेट वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कंजर्व करेंगे एनर्जी, कंजर्विंग एनर्जी एट एपिहेलियन एंड पेरिहेलियन पोजीशन। ठीक है, तो पेरिहेलियन पोजीशन पे एनर्जी टोटल कितना होगा, हाफ इंटू मास इंटू वी वन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाई आर वन ये हमारे पास। ठीक है, और एट पेरिहेलियन पे क्या हो जाएगा, ये पेरिहेलियन था, ये एपिहेलियन पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्लैनेट डिवाइड बाई आर टू। ठीक है, और ये दोनों बराबर होगा हमारा, तो देखो हाफ इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर माइनस जी इंटू एम बाई आर वन इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस जी इंटू एम बाई आर टू। ठीक है, अब हमारे पास आर वन आर टू की वैल्यू दी गई है इन टर्म्स ऑफ ए एंड ई, और हमारे पास ये एक रिलेशन है वी वन आर वन इंटू वी टू आर टू दूसरा रिलेशन है, और ये हमारे पास तीसरा रिलेशन आ गया। ठीक है, तो सॉल्विंग वन टू एंड थ्री, ठीक है, हमारे पास वी वन क्या आ जाएगा, रूट अंडर जी एम बाई ए वन प्लस ई डिवाइड बाई वन माइनस ई। ठीक है, और वी टू क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके, रूट अंडर जी एम बाई ए वन माइनस ई डिवाइड बाई वन प्लस ई। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया, और हमें फाइंड करना है फाइंड दी टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हुआ, हाफ इंटू एम इंटू से पेरिहेलियन पोजीशन में निकाल रहे हैं वी वन स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाई आर वन, और आर वन के पास वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू रखते हैं हाफ इंटू एम इंटू जी एम बाई ए वन प्लस ई वन माइनस ई, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस जी ऑफ एम
एम आर क्या है, आर वन क्या है हमारे पास, ए इंटू वन माइनस ई होल ब्रैकेट, तो विच इज इक्वल टू जी एम एम ए वन माइनस ई, कॉमन लेते हैं इन दोनों में, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, वन प्लस ई बाई टू माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू जी एम एम ए वन माइनस ई ई माइनस वन बाई टू, इज इक्वल टू जी एम एम ए वन माइनस ई एंड वन माइनस ई बाई टू, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, वन माइनस ई कट जाएगा, टोटल एनर्जी हमारा क्या हुआ, माइनस जी एम एम बाई टू ए।